फिर भी है नव दुर्गा माँ चंडिया। वो माने जीन नहीं उसे डर के झुक के मां की धनाधन धन धन धनाधन धन। ये जख्मी जरूर है फिर भी है रन चंडी चामुंडी। ये जख्मी जरूर है फिर भी है नव दुर्गा माँ चंडी। ये जख्मी जरूर है फिर भी है नव दुर्गा माँ चंडी। एक आदमी पर आप कितना अधिक प्रेशर डालेंगे, ज्यादा प्रेशर डालने से उस आदमी का दिमाग खराब हो जाएगा और वो क्रिमिनल बन जाएगा। झांसी ने इस वक्त जो कारनामा किया है उसे देखकर लोग कह रहे हैं जिस भारतीय नारी ने जन्म लिया है वो स्वयं चंडी का अवतार है। इस वक्त अगर मैं अपना अधिकार दिखाने जाऊंगा तो हमारा जो कमजोरियां हैं वो यहीं पर ओपन हो जाएंगी और रिलेशन क्लोज हो जाएगा। आई थिंक यू बेटर गो फॉर कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज? मैं लंदन, पेरिस, हांगकांग खरीदने वाला आदमी आफ्टरऑल एक औरत के सामने झुकूं? नो। अंडरवर्ल्ड माफिया का पूरा काम तुम संभाल रहे हो फिर भी इधर आकर हजार बार चिल्लाते हो, इससे अच्छा उसे समझौता करो। कमिश्नर, वो आपके लिए एक मामूली लेडी होगी लेकिन मैं एक पुलिस ऑफिसर और दोस्त होने के नाते ये सलाह दे रहा हूँ, ऐसे किसी भी शख्स को नहीं देखा। एक रात में पूरी सिटी को धोकर क्लीन करने का दावा करती हो, इम्पॉसिबल। उसके पास जरूर कोई एक ऐसा प्लान है जिसे हम नहीं जानते। वो ऐसी है कि उसे आग लगाकर भी नहीं जलाया जा सकता। आपके पास उसे भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। आपकी बात को वो रिजेक्ट ना करे ये जवाबदारी मेरी है। अगर उसने हाँ कह दिया तो इससे बड़ी बात और क्या। क्या सोच रहे हैं? ओके। तुम्हारे अंदर इतना गट्स हो सकता है ये मैंने पहले कभी भी नहीं सोचा था। तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हें ऑफर करता हूं। ये देखो, सदाशिव नगर में 100x100 का साइट है, ये ले लो। और ये देखो, ब्लैंक चेकबुक है, तुम्हें जितना चाहिए इसमें भर लो। ये मेरा एक नया गारमेंट फैक्ट्री है, उसका उद्घाटन करने मैं खुद जाऊंगा। ये सब तुम्हारे लिए है। जब मैं पैदा हुई तब से मुझे 6x3 फीट की जमीन विरासत में मिली है, इसलिए मुझे तुम्हारे साइट की जरूरत नहीं है। और तो और मैं अपने माँ बाप के लिए खुद कैश हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे चेक की जरूरत नहीं है। जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मैंने इतने कपड़े पहने कि उतने तुमने भी नहीं पहने होंगे, इसलिए मुझे तुम्हारा गारमेंट फैक्ट्री भी नहीं चाहिए। फिर तुम मुझे क्या दोगे? मुझे जो चाहिए वो कि जिस तरह सब लोग मुझे देखकर सैल्यूट करते हैं ठीक उसी तरह तुम भी मुझे सैल्यूट किया करो। अगस्त 15 और जनवरी 26 को सैल्यूट लेने वाला ये पटेल तुम्हें सैल्यूट करेगा। आउट, गेट आउट। तुम मुझे अपनी जिंदगी से इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते मिस्टर पटेल, क्योंकि मैं मुकेश आचार्य नहीं हूँ। मुकेश, तुम उसे कैसे जानती हो? वो तुम्हारा कौन लगता है? तुम उसकी बहन हो, बीवी हो या लवर हो? मैं उसकी जिंदगी थी। Watch the steps according to the music, okay? Hello, sir. Tell me, how can I help you? Excuse me.
बहुत अच्छा है, मैं रिलैक्स हो गया। यस मिस्टर पटेल, आपको मुझसे क्या चाहिए? तुम गाना गाना बंद कर दो। 2 साल तक तुम अज्ञातवास में रहो। तुम अपनी आवाज, सुर और ताल 2 साल के लिए मेरे पास गिरवी रख दो। कारण? तुम्हारी जगह गाना गाने के लिए ये पॉपुलर होना चाहिए। ये मेरी बहन का बेटा है। ये रहा ब्लैंक चेक, जितनी रकम चाहो तुम इसमें भर लो। सी यू। हेलो हेलो, जरा रुकिए। आप हैं कौन? आप जो कह रहे हो फाइनल है क्या? आप अपने आप को इटला समझते हैं? समझता नहीं हूँ। हाँ मैं हूँ। तो क्या आप मुझे डरा रहे हैं? यही मेरा काम है। लफड़ा करोगे तो नरक में जाओगे, होशियारी दिखाओगे तो बच्चे रहोगे। मुझे मालूम है तुम एक होशियार बच्चे हो और तुम मेरा काम करोगे। चलता हूँ। मुकेश, 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 मुकेश। हैप्पी बर्थडे टू यू। आरसी पटेल यहां पर आया था क्या? तुम्हें तो 100 साल जीना चाहिए। तुम 2 साल तक गाना नहीं गाओगे ऐसा धमकी देकर गया है? वाओ, वंडरफुल। केक टेस्ट करके देखो। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुम मुझे। I love you। मेरा दिल इतना जोर से धड़क रहा है, तुम्हें मजाक सोच रहे कैसे मुकेश? क्यों टेंशन ले रही हो? अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम तो मेरे साथ हो ना, मेरी जगह पे तुम मेरे लिए मेरा बदला लोगी ना? लो नेकलेस ले लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया तक नहीं, मैं उसे सबक सिखा कर रख देती। तुम ये सब काम करके अपना समय क्यों खराब कर रही हो? मैंने कमिश्नर से बात की है, वो सिक्योरिटी दे रहे हैं। और ये तो जरूरी नहीं है कि जो उसने कहा है वो सच है। तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम एक दूसरे के साथ हैं। इसमें इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कम ऑन यार, तुम्हारा और मेरा जन्म जन्म का साथ है।